हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था यार, उसमें तो हमने हद ही कर दी थी। बहुत ज़्यादा ही हमने कुछ डेरिवेशंस कर लिए थे, और मैंने आपको ये बोला भी था कि यार, कोई भी बच्चा जो वीडियो को देखा होगा अच्छे से और जो अपने नोट्स अच्छे से बना रहा होगा, वो ज़रूर एक बार मुझे बताना कि अभी तक हम टोटल कितने रिजल्ट डिराइव कर चुके हैं, सो दैट कि मुझे भी पता रहे कि यार इतने सारे हमने कर लिए हैं और अभी और कितने बचे। तो बच्चों, आज के लेक्चर की भी शुरुआत में, शुरू का जो 5 से 7 मिनट होगा, हम डेडिकेट करेंगे इस पूरे बोर्ड को भरने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी रिजल्ट्स डिराइव किए हैं, जितने मुझे याद हैं, हो सकता है कुछ मैं भी स्किप कर जाऊं अभी, लेकिन जितने भी मुझे याद हैं, जो जो हमने रिजल्ट्स डिराइव किए हैं, मैं जल्दी से उन्हें आपके लिए लिख देता हूँ। और उन रिजल्ट्स के बाद बच्चों, उन रिजल्ट्स के बाद हम अपना अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल, कुछ नए रिजल्ट्स, और इस तरीके से अपना सिलसिला चलता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो आई होप बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बिकॉज़ कई सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आप न्यू सीख रहे हैं, है ना। इन लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप न्यू सीख रहे हैं, जो आपको पहले पता नहीं थी। और क्लास 10th के लेवल पे तो हमें पता ही नहीं था यार कि इतना सारा होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना लेक्चर कुछ रिजल्ट्स के साथ, जो जो हमने पढ़े हुए हैं। तो जितना मुझे याद है, ठीक है, जो जो मुझे याद है वो अपन लिख लेते हैं। अपन ने बेटा पढ़ा हुआ है कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, अब तो तुमको भी याद हो गया होगा इतने लेक्चर में। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ये अपना होता है पहला रिजल्ट, चलो देखते भी चलते हैं अपने को कितने रिजल्ट याद है। दूसरा रिजल्ट होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बच्चों होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये अपना होता है दूसरा रिजल्ट जो अपन ने किया हुआ है। उसके बाद तीसरा अपन ने बच्चों एक किया था साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी था बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी हमने किया हुआ है। इसके बाद बच्चों एक चौथा रिजल्ट साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी हमने किया हुआ है। इसके बाद हमने देखा था कौन सा, कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी इसके पहले हमने किया हुआ था 15 डिग्री, तो साइन ऑफ 15 डिग्री हम निकाल चुके थे, ये आया था √3 - 1/2। उसके बाद हमने कॉस ऑफ 15 डिग्री निकाला, ये आया था बच्चों √3 + 1/2, ठीक है ना। 5 हो गया, 6 रिजल्ट हो गए। सातवें में हमने टेन ऑफ 15 डिग्री किया था, टेन ऑफ 15 डिग्री होता है 2 - √3। फिर हमने कॉट ऑफ 15 डिग्री भी किया था, कॉट ऑफ 15 डिग्री बच्चों होता है 2 + √3। इसके बाद हमने बच्चों जो किया था, हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया था, तो हमने लिखा था 2 cos A cos B, 2 cos A cos B बच्चों हमारे पास आया था cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। उसके बाद बच्चों हमने अगला रिजल्ट किया था 2 sin A sin B, जो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला रिजल्ट था, 2 sin A sin B, ये आया था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसके बाद बच्चों हमने किया था 2 sin A cos B, 2 sin A cos B अपने पास बच्चों आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला नोटबुक में भी आपके पास सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, आपकी जो फॉर्मूला नोटबुक भी बनेगी उसमें सब लिखा होना चाहिए 2 cos A sin B, ताकि आपको एट अ ग्लांस सारी की सारी चीज़ें दिखे, है ना। इसका पर्पस ये है कि एट अ ग्लांस आपको सब कुछ दिखे कि यार हाँ ये सब हमने पढ़ा हुआ है। 2 cos A sin B बच्चों आता था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, उसके बाद हमने सी डी फॉर्मूला पढ़ा था कि cos C + cos D, सी डी फॉर्मूला बोलता है 2 cos C + D / 2 cos C - D / 2। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा था cos D - cos C, एक्सेप्शन वाला cos D - cos C, ये होता है 2 sin C + D / 2 sin C - D / 2। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था जो 15th वाला हमारा रिजल्ट एक था, जिसमें कि हमने किया था sin C + sin D, तो sin C + sin D हमारे पास था बच्चों 2 sin C + D / 2 cos
सी माइनस डी बाई टू, और एक हमने बच्चों रिजल्ट किया था साइन सी माइनस साइन डी, इसका हमारे पास रिजल्ट था टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये तो बच्चों कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने करे हुए थे, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने करे हुए थे। हमने साइन का ए प्लस बी एंगल देख लिया था, और फिर ये प्रोडक्ट और डिफरेंस वाली चीज़ें देख ली थी, सी डी रूल देख लिया था। इसके बाद बच्चों अपन ने टैन का भी रिजल्ट देखा था, ठीक है ना। हो सकता है अब सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। अपन ने टैन का भी रिजल्ट देखा था, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी अपन ने देखा था टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, ये अपन ने रिजल्ट देखा था। फिर अपन ने एक रिजल्ट बच्चों देखा था टैन ऑफ ए माइनस बी, तो टैन ऑफ ए माइनस बी आया था टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने और रिजल्ट देखा था क्या, हमने देखा था कि टैन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा और टैन ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा का प्रोडक्ट वन होता है, ये भी हमने देखा था। इसमें मैंने आपको इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी लिखाई थी, अगर इंडिविजुअली ना भी याद हो तो आप इसमें फॉर्मूला में अप्लाई करके निकाल सकते हो। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर कॉट का भी रिजल्ट देखा था ए प्लस बी का, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी हमारे पास आया था कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसके बाद बच्चों हमने एक रिजल्ट देखा था कॉट ऑफ ए माइनस बी, तो कॉट ऑफ ए माइनस बी हमारे पास बच्चों आया था कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमने किए हुए हैं, एक बार मैं भी देखता हुआ चलता हूँ कि अपन कुछ स्किप ना कर जाएं। उसके बाद बच्चों जहाँ तक मुझे याद है इसके बाद हम शायद मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में चले गए थे, तो हमने देखा था साइन 2a का रिजल्ट। साइन 2a के हमने दो रिजल्ट्स देखे थे, एक तो होता था 2 साइन ए कॉस ए, और साइन 2a एक होता था 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये हमने रिजल्ट देखा था, ठीक है ना। ये दो अलग अलग हमने रिजल्ट देखे थे। उसके बाद हम पढ़े हैं साइन 2a में ही कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है बच्चों वन प्लस साइन टू ए। उसके बाद हमने पढ़ा है कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है वन माइनस साइन टू ए, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद और भी अपन ने कुछ रिजल्ट्स देखे, हमने कॉस टू ए पढ़ा था। कॉस टू ए बच्चों होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमारे पास कॉस 2a का ही एक रिजल्ट था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और इसका हमारे पास रिजल्ट था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और इसका हमारे पास रिजल्ट था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी फार्मूला शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें मैं आपको बोला था कि आपको प्ले करना आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि कॉस स्क्वायर ए होता है वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए होता है वन प्लस साइन स्क्वायर ए होता है वन माइनस कॉस टू ए बाई टू। इसके बाद बच्चों हमने निकाला था टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए आपने मुझे बोला था कि सर वन माइनस कॉस टू ए बाय वन प्लस कॉस टू ए आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर ए भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको टैन ए लिखना बताया था, तो टैन ए लिखने का एक तरीका मैंने आपको बताया था वन माइनस कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए, क्योंकि वन माइनस कॉस टू ए आप करोगे तो टू साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे टू साइन ए कॉस ए आएगा, सॉल्व होके आ जाएगा। वैसे ही एक हमने रिजल्ट देखा था कॉट ए का, तो कॉट ए का जो रिजल्ट आया था वो आया था बच्चों हमारे पास वन प्लस कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए, ये भी हमारे पास एक रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये तमाम बच्चों वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक की हुई हैं। आई होप मैंने कई सारी इसमें से चीज़ें कवर कर ली हैं। मैं भी एक बार क्विकली देख लेता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो कि हमने जो छोड़ दिया हो,
है ना, साइन 2a देख लिया, कॉस 2a देख लिया, एक टैन 2a मैंने आपको लिखना, मैं भूल गया हूँ, टैन 2a, टैन 2a हम पढ़ चुके हैं, टैन 2a होता है 1 माइनस, नहीं, टैन 2a होता है 2 टैन a अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर है, टैन 2a बच्चों होता है 2 टैन a अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर है, ठीक है ना। ये कुछ बच्चों रिजल्ट्स हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और इसके बाद मैं और देख लेता हूँ एक बार कि अगर हमने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया कहीं। आई होप मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखी हों, अगर मैं स्किप मान लो गलती से बेटा किया भी होऊंगा तो आप मुझे बता देना कि हाँ सर आपने ये छोड़ दिया। हाँ यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, दो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर छोड़े हैं 31 के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, इधर पर हम पढ़े थे पहले लेक्चर में, एक बच्चों हमने रिज़ल्ट पढ़ा था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बच्चों होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और इसके अलावा एक रिजल्ट हमने और ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये कुछ रिजल्ट्स और थे जो मैं लिखना भूल गया था। तो अभी तक बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे वो रिजल्ट्स हैं, आई होप, अगर इसमें भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में बताना, लेकिन आई होप कि ये 33 ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े। एंड बिलीव मी, अगर इसमें मैं वो चार क्वाड्रेंट वाले भी जोड़ दूँ तो चार क्वाड्रेंट वाले भी सोचो अगर मैं जोड़ना चालू करूँगा कि 180 माइनस थीटा में क्या होता है, 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, उसकी तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही बेसिक है मेरे को ऐसा लगता है। तो ये अभी बच्चों वो पूरी कहानी है जो हम पिछले 2-3 लेक्चर से कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप इस तरीके से अपनी एक फार्मूला शीट भी बनाएंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको सारे के सारे रिजल्ट्स याद हों। अपन बहुत क्विकली बच्चों अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि अपन अपना आगे का पोर्शन स्टार्ट कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आपके पास बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको टैन ऑफ अल्फा बाय 2 बताना है, आपको टैन ऑफ अल्फा बाय 2 की बच्चों वैल्यू बतानी है इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, एंड मुझे दिया हुआ है अल्फा जो है बच्चों वो पहले क्वाड्रेंट में, अल्फा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब कि अल्फा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में। आपको बच्चों टैन ऑफ अल्फा बाय 2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, सरल सा सवाल एक। अब आप इसमें ये बात को समझिए बच्चों कि आपके पास अल्फा दिया है और अल्फा बाय 2 वाला एंगल पूछा जा रहा है, आपको अल्फा गिवन है और अल्फा बाय 2 वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये सवाल है। तो अगर हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन दिया है तो इसका अप्रोच हमें कैसे करना पड़ेगा, हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कॉस का, जिसमें कि हमने देखा था कि कॉस 2a जो होता है वो होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये एक रिजल्ट है बच्चों जो हम पढ़ के आए, कॉस 2a होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब आप सोच के देखो, यहाँ पर कॉस के साथ डबल एंगल है, टैन के साथ सिंगल एंगल है, और ऐसे ही मुझे पूछा जा रहा है कि कॉस के साथ अगर डबल एंगल हो तो टैन के साथ सिंगल एंगल होना चाहिए, मतलब कि कॉस के साथ जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल टैन के साथ होना चाहिए, कॉस के साथ जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल टैन के साथ होना चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से डालूं तो क्या मैं कॉस अल्फा को, सोच के देखिएगा, क्या मैं कॉस अल्फा को ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या सोच के देखिए, कॉस के साथ जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल टैन के साथ होगा, ये मैं फॉर्मूला बोल सकता हूँ। मुझे टैन ऑफ अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ अल्फा मुझे 4/5 दिया है, मतलब 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2। आप बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 4
प्लस 4 टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से मुझे बच्चों देखो क्या दिखाई देगा, 9 टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 क्या होता है 1, 9 टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 होता है 1। इसका मतलब कि बच्चों मेरे पास टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 का वैल्यू क्या आ गया 1/9, और अगर टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 का बच्चों वैल्यू मेरे पास आ गया 1/9 तो टैन ऑफ अल्फा बाय 2 का वैल्यू आ जाएगा 1/3 या -1/3। टैन ऑफ अल्फा बाय 2 का वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1/3 या -1/3। अब आप सोच के देखो अल्फा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो यार अल्फा बाय 2 जो होगा वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अगर अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है तो अल्फा बाय 2 भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और अगर अल्फा बाय 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये -1/3 रिजेक्ट होगा और 1/3 बच्चों एक्सेप्ट होगा। ठीक है ना, -1/3 रिजेक्ट होगा और 1/3 बच्चों अपना एक्सेप्ट होगा। अपन अपना आंसर देख लेते हैं, हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1/3 हमारे पास आ जाएगा टैन ऑफ अल्फा बाय 2 का वैल्यू। तो इस तरीके के बच्चों सवाल होते हैं जिसे प्रैक्टिस करना हमें आना चाहिए। अपन बहुत जल्दी अपना बोर्ड क्लियर करते हैं ताकि अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है उसमें हमें बेटा एक नए एंगल को निकालना है। जैसे मैंने आपको 15 डिग्री निकालना सिखाया था, अब मैं आपको एक नया एंगल निकालना सिखाता हूँ विच इज 22.5 डिग्री। हमने आपको 15 डिग्री एंगल निकालना सिखाया था, अब हम आपको 22.5 डिग्री वाला भी एंगल निकालना सिखाएंगे। आप देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। इसको आप चाहो तो क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हो, चाहो तो टॉपिक के रूप में भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। हमें मान लीजिए बच्चों वैल्यू निकालनी है पाई बाय 8 की। हमें मान लीजिए बच्चों वैल्यू निकालनी है पाई बाय 8 की। पाई बाय 8 मतलब, पाई बाय 8 मतलब होता है 22.5 डिग्री। कैसे लिखते हैं, पाई बाय 4 हमको पता है, पाई बाय 4 क्या होता था, पाई बाय 4 45 डिग्री होता था। अगर पाई बाय 4 45 डिग्री होता था तो 22.5 क्या है, 45 का आधा है, तो पाई बाय 4 का आधा क्या हो जाएगा, पाई बाय 8। अब 22.5 डिग्री में बच्चों जो हमको वैल्यू पता होनी चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वैल्यू है टैन पाई बाय 8 एंड कॉट पाई बाय 8, ये इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो निकालने के लिए आप साइन और कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोसेक और सेक इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो साइन और कॉस भी इसके लिए निकाल सकते हो, लेकिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, निकाल के दिखा दूंगा लेकिन उतना नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट टैन और कॉट है 22.5 डिग्री का। आप अगर टैन ऑफ पाई बाय 8 निकालना चाहेंगे तो अब आप सोच के देखिए कि 22.5 डिग्री आप कैसे निकालोगे। अगर आपको 22.5 डिग्री निकालना है तो 22.5 के आसपास आपको कौन सा एंगल पता है। जैसे आप याद करो, जब मैं 15 डिग्री निकाला था, जब बच्चों मैंने 15 डिग्री निकाला था तो 15 डिग्री को निकालने के लिए मैंने क्या किया था, 15 डिग्री को बच्चों निकालने के लिए हमने जो किया था वो ये था कि हमने आपको बोला था कि यार इसको आप 45-30 लिख के साइन ऑफ ए माइनस बी वाले या कॉस ऑफ ए माइनस बी वाले रिजल्ट में डाल दो और सॉल्व कर लो, हमने आपको ये बोला था। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 22.5 डिग्री है तो 22.5 का मुझे क्या पता है कि 22.5 का डबल क्या होता है, 45 होता है, और 45 डिग्री तो मैं पढ़ के आया हूँ। मुझे ज़रूर 22.5 नहीं पता लेकिन मुझे 45 तो पता ही। तो देखो, इसको आप करने के मल्टीपल तरीके, इसको करने के मल्टीपल तरीके, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका आप खुद से प्रयास करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप कर पाए या नहीं। एक तरीका तो है इसका कि आपको पता है बच्चों tan 2a जो होता है, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square, ये एक रिजल्ट होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि यार a की वैल्यू 22.5 डिग्री है, मान लो मैं आपको बोल दूं a की वैल्यू 22.5 डिग्री है जिसको कि आप पाई बाय 8 भी बोलते हैं, अगर मैं आपको ये बोल दूं और आपको बोल दूं कि बेटा आप इसमें सब्स्टिट्यूट इसको कर दो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan ऑफ 2a मतलब 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस, मतलब 2 tan a क्या है 22.5 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री।
ये हमारे पास आ जाएगा। क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी, आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। कमेंट्स में करके बता देना मुझे कि आपका आंसर आया या नहीं आया इस मेथड से। ये मेथड वन है। हम एक दूसरा स्मार्ट मेथड करेंगे, स्मार्ट मेथड जिसका मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है। मैंने आपको बोला है बच्चों कि टेन ए क्या होता है, टेन ए मैंने आपको एक रिजल्ट बताया। मैं आपको ये भी बोला था कि 99.9% टीचर ये सब चीज़ें बताते ही नहीं, वो बोलते ही नहीं है, उनका ऐसा लगता है कि बच्चा खुद ही सोचे, खुद ही करे सारी चीज़। मैंने आपको टेन ए का एक बच्चों रिजल्ट बताया था कि टेन ए होता है 1 - cos 2a / sin 2a। सोच के देखो, ये मैंने आपको रिजल्ट एक बताया। आप चाहें तो अपने पेजेस घुमा के देख सकते हैं, आपको दिखेगा 1 - cos 2a होता है 2 sin² है, नीचे होता है 2 sin a cos a, 2 sin कटेगा, sin बाय cos आएगा, आ जाएगा टेन। यहां से अगर मैं बोलता हूं कि यार पुट a इक्वल्स टू 22.5 डिग्री या π/8, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों देखो tan ऑफ π/8 जो कि 22.5 होता है। tan ऑफ π/8 कितना आ जाएगा, 1 - cos 2 × π/8 कितना आ जाएगा, π/4 अपॉन साइन ऑफ 2 × π/8 आ जाएगा π/4। इसमें कोई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का लफड़ा नहीं, सीधा आंसर आएगा 1 - cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 अपॉन साइन 45 डिग्री 1/√2। सॉल्व आप करोगे, एलसीएम लोगे, √2 - 1 आंसर आएगा। आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, √2 - 1 आंसर आएगा। यहां से भी वही आएगा, निकाल के देख लेना। दो आंसर आएंगे, एक एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा। मेरे ख्याल से क्वाड्रेंट के हिसाब से उसमें देखना पड़ेगा। 22.5 डिग्री है, पहले क्वाड्रेंट में होता है, टेन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, करके देख लेना, मुझे बता देना कि इस मेथड से भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक नया एंगल क्या सीख लिया, हमने एक नया एंगल सीख लिया 22.5 डिग्री, और हमें ये बात पता चल गई कि टेन ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 - 1। टेन ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 - 1। अब इससे मुझे क्या सीखने को मिला, इससे मुझे ये सीखने को मिला बच्चों कि टेन ऑफ 22.5 डिग्री अगर मुझे पता है तो टेन ऑफ 22.5 डिग्री तो cot ऑफ 67.5 डिग्री के बराबर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री टेन 22.5 तो cot ऑफ 67.5 के बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। और 67.5 क्या है, 67.5 इज नथिंग बट 3 × 22.5। सोच के देखो, 67.5 इज नथिंग बट 3 × 22.5, यही तो लिखा है। इसका मतलब कि 67.5 को आप क्या बोल सकते हैं, अगर 22.5 वाला π/8 है तो 67.5 वाला विल बी 3π/8। अगर 22.5 वाला बच्चों π/8 है तो 67.5 विल बी 3π/8। यहां से आप समझ सकते हैं इस बात को। तो मुझे tan π/8 पता चल गया, और इसके साथ साथ मुझे cot ऑफ 3π/8 भी मालूम चल गया। ये बात बच्चों मुझे पता चल चुकी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपके लिए अभी अभी डिराइव किया। अब क्योंकि मुझे 22.5 डिग्री tan का पता चल गया, तो अब अगला सवाल उठता है कि भैया cot का कितना होगा ये भी बता दो। tan का तो आपने बता दिया, cot का भी बता दो कि cot का कितना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको cot का देखना है 22.5 डिग्री, तो आप सोच के देखो कि यार हम लिख सकते हैं ना cot ऑफ π/8 इज इक्वल टू 1 / tan ऑफ π/8। रेसिप्रोकली तो होगा, मतलब कि 1 / √2 - 1। LCM तो लेना नहीं है, रैशनलाइज करो, √2 + 1 और √2 + 1, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √2 + 1 / a² - b² करोगे तो 1 आएगा। मतलब इसका आंसर कितना आया, √2 + 1 आया। cot ऑफ π/8 का आंसर आ गया √2 + 1, cot ऑफ tan ऑफ π/8 था √2 - 1। और यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि अगर cot 22.5 मुझे पता चल गया है तो cot 22.5 किसके बराबर होगा, tan 67.5 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर cot π/8 की ये वैल्यू है तो tan ऑफ 3π/8 भी तो मुझे मिल गया। सोच के देखो, अगर cot ऑफ 67.5 डिग्री, अगर cot ऑफ 22.5 डिग्री बेटा मुझे मिल गया, तो tan 67.5 भी तो मिल जाएगा। याद करो, जब हमने 15 डिग्री पढ़ा था तो 15 डिग्री के साथ ऑटोमेटिकली आपको 75 डिग्री भी तो मिल रहा था। यही तो मैं आपको उस समय बता रहा था कि अगर बच्चों आपने 15 डिग्री पढ़ लिया है तो 75 डिग्री भी तो आपके पास ही है।
तो इसके साथ बच्चों हमने टैन की वैल्यू डिराइव कर ली है, कॉट की वैल्यू डिराइव कर ली है, ठीक है। अब अपन अपना पोर्शन आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल हैं, उन सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन अपना बोर्ड क्लियर कर देते हैं और अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपना सिलेबस थोड़ा सा आगे भी बढ़े और फॉर्मूले हमें थोड़े बहुत याद भी हो जाएं, ठीक है ना। ये सब बेटा आपके फॉर्मूला शीट में जाना चाहिए, सब कुछ आपकी फॉर्मूला शीट में अपडेट होते रहना चाहिए। अब इसमें सवाल हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है प्रूव दैट, प्रूव दैट का हमारे पास क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8a अपॉन tan 2a। ये बच्चों मेरे पास एक सवाल है, जो समझने वाली बात है हमारे पास। समझने वाली बात ये है कि यार सेक में तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं कोई भी डबल एंगल। हम तो डे वन से किस में डबल एंगल पढ़ रहे हैं, साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में भी उतना हमने ध्यान नहीं दिया। हमारा पूरा का पूरा इंक्लिनेशन किस पे है, साइन कॉस और टैन पे, कि साइन कॉस और टैन समझ में आएगा तो बाकी सब तो बना लेंगे। तो सेक 8a को क्या मैं 1 बाय कॉस 8a लिख के आगे बढ़ सकता हूँ, माइनस 1 बाय सेक 4a को 1 बाय कॉस 4a माइनस 1। मोस्ट लॉजिकल स्टेप यही है, कोई भी साधारण बच्चा यही करेगा पहला स्टेप। आप इसके बाद एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a, ये मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही बच्चों मेरे पास ये आएगा तो इसके बाद मैं देखो थोड़ा सा रीअरेंज अगर करके लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉस 4a अपॉन कॉस 8a और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस कॉस 8a अपॉन 1 माइनस कॉस 4a। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा सॉल्व करके। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, मुझे न्यूमरेटर में चाहिए tan 8a, डिनोमिनेटर में चाहिए tan 2a, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले तो cos 4a वैसे का वैसा ही लिखो, cos 8a वैसे का वैसा ही लिखो। अब ब्रैकेट के अंदर की बात करो, आप तो मुझे ये बताओ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है। अगर मैं इस 8a को 2 थीटा बोलूं तो 1 माइनस cos 2 थीटा देखकर तुम्हें किसकी याद आनी चाहिए। मैंने तुम्हें ये लिखाया है प्ले करने वाले एरिया में, मैंने तुम्हें लिखाया है कि 1 माइनस cos 2 थीटा बच्चों 2 sin square थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को देखकर तुम्हें 2 साइन स्क्वायर थीटा की याद आनी चाहिए। मतलब कि क्या मैं इसको 2 साइन स्क्वायर 4a बोल सकता हूँ क्या? अगर यहाँ डबल एंगल होता है तो यहाँ सिंगल एंगल होता है, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका आधा यहाँ होगा। तो अगर यहाँ पर 8a है तो यहाँ पर 4a। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो यहाँ एंगल होता है उसका आधा उधर होता है। वैसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर लिखूंगा तो यहाँ 2a लिखूंगा इसका आधा। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें पता है एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, तभी लिखाया है। तो यहाँ से बच्चों देखो 2 से 2 तो गया, अब मेरे पास लिखा है कॉस 4a, साइन स्क्वायर 4a को लिख लो, साइन 4a साइन 4a। देख लेते हैं क्या लिखा है, कॉस 8a और साइन 2a को लिख लो, साइन 2a साइन 2a, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। हमें लेकर ऊपर क्या आना है, ऊपर लेकर tan 8a आना है। न्यूमरेटर में मुझे डबल एंगल चाहिए, मतलब 8a चाहिए, 8a मुझे दिख क्या रहा है, मुझे 4a दिख रहा है। जरा आप सोच के देखो बच्चों, आपको ये cos 4a और sin 4a दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चों वीडियोस के वो भेज रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल ड्राइव के लिंक हैं उससे इन सवालों की प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा होमवर्क के क्वेश्चंस बनाओगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। cos 4a और sin 4a को देखकर ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है बच्चों sin 2 थीटा, तो न्यूमरेटर में तो sin 8a बन जाएगा। सोचो
टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है न्यूमरेटर में, तो साइन एट ए बन जाएगा, उसके साथ साइन फोर ए फिलहाल वैसे का वैसे ही लिखे रहने दो, नीचे कॉस एट ए वैसे का वैसे ही फिलहाल लिखे रहने दो, और उसके साथ लिखा है टू साइन टू ए और एक और साइन टू ए, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से मुझे दिखाई दे दिया कि ये साइन एट ए बाय कॉस एट ए, यार ये तो टेन एट ए तो बन गया न्यूमरेटर में, एक टेंशन तो खत्म हुआ, टेन एट ए तो बन गया। टेन एट ए के साथ देखो क्या लिखा है, टेन एट ए के बच्चों साथ लिखा है साइन फोर ए और नीचे टू साइन टू ए और साइन टू ए। जरा सोच के देखो, अगर तुम्हें टेन टू ए बनाना है मतलब तुम्हें इस फोर ए वाले एंगल का तो कोई काम नहीं है। मेरे पास फाइनल आंसर में या तो एट ए वाला एंगल है या टू ए वाला एंगल है, फोर ए वाले का तो काम ही नहीं है। तो इस साइन फोर ए को सोच के देखो, साइन टू थीटा मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और जैसी बच्चों में ये लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है टू साइन टू ए साइन टू ए, ये लिखा हुआ है। तो यहां से मेरे पास आ गया टू से टू गया, साइन टू ए से साइन टू ए गया। तो यहां से बच्चों आप अगर देखेंगे तो टेन एट ए न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन टू ए, और ये कॉस टू ए अगर आप घुमा के नीचे ले आओगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा टेन टू ए। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अब ऐसे सवाल बच्चों देखो, जनरली अगर आप पहली बार में देखोगे तो आपका अटकेगा, ऐसा सवाल आपका अटकेगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसी बच्चे को लगेगा कि सर आपको ये सब तो याद है, आपको तो सारे फॉर्मूले याद हैं इसलिए आप तो बना ले रहे हो, हमको तो ये सब फॉर्मूला वॉर्मूला ही याद नहीं है। तो जब फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूला पहले याद करिए, पहला स्टेप है फॉर्मूला याद करना, याद करो। मैंने बोला था कब कहाँ और कैसे, लेकिन कब कहाँ और कैसे के भी पहले याद तो होना चाहिए ना, आपको याद ही नहीं होगा तो करोगे कैसे। सोच के देखो, आपको बेटा फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका सवाल अटकेगा ही अटकेगा, इस बात की गारंटी है। फॉर्मूला याद करिए, उसके बाद फिर सोचिए कि कौन सी जगह पे आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी जगह पे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है बेटा, आप अभी नया नया आईआईटी का तैयारी करना चालू किए हो, हमें एक पेपर कल नहीं देना है, पेपर में हमारे समय है, तो हम आराम से अपनी तैयारी करें, निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, वीडियोस को बार बार देखें ताकि हमें चीज़ें याद हो, ठीक है ना। कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा, आराम से हो जाएगा। पिछले कई सालों में कई सारे बच्चों ने ये सारे फॉर्मूले पढ़े, याद किए, रटे, लिखे, सब कुछ किया, तो अगर वो कर लिए तो यार तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारे पास है, प्रूव दैट वन प्लस साइन टू ए प्लस कॉस टू ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन टू ए प्लस कॉस टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन टू ए। ये बेटा अगला सवाल है, वन प्लस साइन टू ए प्लस कॉस टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस साइन टू ए, ये बेटा अपना अगला सवाल है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप देखिए आपको यहाँ पर अंदर दिखाई दे रहा है ये साइन टू ए आपको दिखाई दे रहा है और आपको ये वन प्लस कॉस टू ए भी दिखाई दे रहा है, देखो ये। अच्छा कोई कोई बच्चे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन कर देंगे, जो क्लास नाइन्थ में पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स सब कुछ कर देंगे, वो तो उतना मेहनत नहीं करना है, उतना इसमें मेहनत नहीं करना है। आप तो सिंपली ऐसा सोचो कि यार कॉस टू ए के साथ अगर वन है तो एक अच्छी प्रोफाइल होती है, हम पढ़ के आते हैं कि कॉस टू ए के साथ वन एक अच्छी प्रोफाइल है, और साइन टू ए तो अलग से लिखा ही है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि साइन टू ए को मैं लिख लूँ टू साइन ए कॉस ए, और कॉस टू ए प्लस वन, वन प्लस कॉस टू ए क्या होता है टू कॉस स्क्वायर है, ऊपर होल स्क्वायर तो लगा ही है। और यहां से बच्चों देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार ये टू कॉस ए तो कॉमन निकलता है, अंदर आ गया साइन ए प्लस कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है।
तो यहां से बच्चों मेरे पास देखो क्या आ गया, जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर आ गया और उसके साथ आ गया sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। और आप याद करो बच्चों sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर तो मैं पढ़ के आया हूं अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने इतने सारे रिजल्ट्स जब लिखे थे तब यहां पर कहीं पर मैंने आपको लिख के दिया था कि sin a प्लस cos a का अगर होल स्क्वायर मुझे दिखेगा तो मुझे ये बात याद आ जानी चाहिए कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर तो 1 प्लस sin 2a होता है। sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस sin 2a। तो ये हो जाएगा बेटा प्रूफ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी इजी से बेटा क्वेश्चन हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ना बन रहा हो तो आप बस अभी सुनते चलो, देखते चलो, लिखते चलो और बार बार बस प्रैक्टिस करो, जो समझ में आ रहा है वैसे करो लेकिन बस प्रैक्टिस छोड़ो मत, प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ें हो जाएंगी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल भी बच्चों प्रूफ दैट का है हमारे पास, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद करने हैं सारे। 3 माइनस 4 cos 2a प्लस cos 4a डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लिखा है 3 प्लस 4 cos 2a प्लस cos 4a और इसकी वैल्यू होती है tan raised to the power 4a। ये सवाल है, ये हमारे पास बच्चों सवाल है, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर अपन इसे सॉल्व करें तो अब अगर आप ध्यान से इसको सोचेंगे तो यार आपको ऐसा लगेगा कि यार यहां पर cos 2a वाला टर्म है लेकिन cos 2a का कोफिशियंट 4 है, अगर यहां पर कांस्टेंट नंबर भी 4 होता तो मैं बढ़िया से दोनों में से 4 कॉमन लेता और अंदर 1 माइनस cos 2a लिख देता। या उसी तरीके से आप ये सोच सकते हो कि यार यहां पर 4 cos 2a दिख रहा है, अगर ये 3 के बदले 4 होता, अगर ये 3 के बदले 4 होता तो यार मैं 4 दोनों में से कॉमन लेता और 1 प्लस cos 2a लिख लेता। ऐसा सोच के लगता है या नहीं लगता कि आपको अगर मैंने बोला है कि 1 प्लस cos 2a वाला एक प्रोफाइल होता है या 1 माइनस cos 2a वाला एक प्रोफाइल होता है, तो ऐसा देख के लगता है कि यार अगर ये 4 होता तो 4 दोनों में से कॉमन लेता तो 1 माइनस cos 2a बनता, इधर अगर ये 4 होता तो 4 दोनों में से कॉमन लेता तो 1 प्लस cos 2a बनता, ऐसा देख के लगता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बच्चों क्या बोलूंगा कि आप जरा सोच के देखो, अगर मैं ऐसा लिख लूं इस सवाल को 4 माइनस 4 cos 2a प्लस cos 4a माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 4 cos 2a प्लस cos 4a माइनस 1, मान लो अगर मैं ऐसा लिख लूं तो नहीं चलेगा क्या? प्रॉब्लम क्या है ऐसा लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है भैया, 4 माइनस 1 होता तो 3 ही है, 4 माइनस 1 होता तो 3 ही है, इफेक्टिवली तो वही सवाल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे अपने हिसाब से जमा लिया, मैंने इसे अपने हिसाब से जमा लिया और मैंने ये सोच लिया कि मेरे को तो प्रोफाइल बनानी है बढ़िया सी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 4 निकालो बाहर, अंदर लिखो 1 माइनस cos 2a प्लस cos 2 थीटा माइनस 1, या इसको भी आप ऐसा लिख लो, चलो ऐसा लिख लो, माइनस कॉमन निकालो अंदर लिखो 1 माइनस cos 4a अपॉन 4 कॉमन लो अंदर लिखो 1 प्लस cos 2a और इन दोनों में से भी माइनस कॉमन निकालो अंदर लिखो 1 माइनस cos 4a, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल हम। तो यहां से बच्चों देखो मेरे पास क्या आएगा, 4 के साथ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 2a क्योंकि इसका आधा एंगल तो 2a होगा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से बच्चों अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ है 4 इंटू 2 8, या ऐसा करो थोड़ा सा 2 का फैक्टर तो देखो पूरे में से 2 का फैक्टर निकलता हुआ दिख रहा है, ये 2 का फैक्टर तो बाहर निकालो, इधर से भी 2 का फैक्टर बाहर निकालो और काट दो, 2 का फैक्टर तो पहले काट दो। तो आपके पास लिखा है 4 sin स्क्वायर a, 4 sin स्क्वायर a माइनस, अब आप जरा बच्चों ध्यान से देखो कि आपके पास फाइनल आंसर में आपको सिर्फ a चाहिए, आपको 2a 3a 4a किसी का काम नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको a चाहिए।
तो यहाँ पर आपको अगर ये 2a वाला एंगल दिख रहा है तो आपको 2a वाले एंगल को a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा सोच के देखो, माइनस के बाद साइन 2a का स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं साइन 2a को 2 साइन a cos a लिख के उसका स्क्वायर कर दूँ क्या? क्या प्रॉब्लम है अगर मान लो मैं ऐसा कर दूँ तो? क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 2a है, साइन 2a को अगर मैं 2 साइन a cos a का होल स्क्वायर कर दूँ तो कोई इशू नहीं है। वैसे ही नीचे 4 वैसे का वैसा ही है, कॉस स्क्वायर ए वैसे का वैसा ही है, माइनस के आगे अगेन साइन 2a का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर बच्चों मैं इसको 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे फाइनल आंसर में तो ए वाला आर्ग्यूमेंट है, 2a का तो काम ही नहीं है, फाइनली तो मेरे को ए ही चाहिए। तो यहां से बच्चों देखो, अपने पास आ गया 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से 4 का फैक्टर तो कॉमन लेके कटेंगे, साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से बच्चों देखो, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए तो हो गया टेन स्क्वायर ए, उसके साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर ए होता है टेन रेस टू द पावर 4 ए, जो हमको लेके आना था। ठीक है, आपको हो सकता है ऐसा मेरा स्पीड से देखते हुए आपको लग रहा होगा कि यार हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन बिलीव मी बेटा बहुत सरल है, बहुत इजी है यार, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। जैसे आज तुमको 3-4 लेक्चर हो गए, 5 लेक्चर हो गए क्वाड्रेंट में क्या एंगल होता है पढ़े हुए, तो अब तो तुमको समझ में आता है ना कि साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, टैन जो होता है वो थर्ड में पॉजिटिव होता है, टैन ऑफ 180 प्लस थीटा टैन थीटा होता है। 5 ही लेक्चर पहले पढ़े हो, लेकिन आज तो आ रहा है समझ में। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें तुमको अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये तो क्या ही चल रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी लग रहा है, लेकिन बिलीव मी 3 लेक्चर बाद तुम बोलोगे हाँ यार ये तो सरल सा है, बेकार सा क्वेश्चन है, सारे के सारे बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ही बेकार है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है ये, सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए, कब कहाँ पर कैसे क्या अप्लाई करना है सिर्फ उसके लिए। ठीक है ना, बहुत ईजी है बेटा, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस सुनते रहिए और मेरे लेक्चर्स को आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बहुत सारे IITians हैं जो पढ़कर निकले हैं, जिनको हमने पढ़ाया है, जो कोई IIT बॉम्बे में है, कोई IIT दिल्ली में है, कोई रुड़की में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम भी पहुंचोगे, तुम्हारा भी सपना पूरा होगा, तुमको सिर्फ लगे रहना, तुमको सिर्फ मेहनत करते रहनी है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 99.99% भी लाएं, तो कोई घबराने की बात नहीं, तुम्हारा भी आ सकता है, बस आप मेहनत करते रहो, लेक्चर्स को ईमानदारी से बेटा सुनते रहो, उसके साथ ही आपका बेटा सिलेक्शन तय है। आप अगर थोड़ा भी ऐसा करोगे कि यार आज हमने लेक्चर देखा, आज हमने नहीं देखा, कभी किया कभी नहीं किया, अगर आप ये सब करोगे ना तो बेटा प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, अदरवाइज़ कहानी जो है हमारी वो बहुत सरल। तो अब इसके बाद बेटा सवाल तो हमने कुछ बना लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमने जो 22.5 डिग्री वाला एंगल निकाला है, 22.5 डिग्री वाला जो हमने एंगल निकाला है, उस 22.5 डिग्री के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी ऑपरेटर्स होते हैं वो टैन और कॉट होते हैं, साइन और कॉस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मतलब याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना इम्पॉर्टेंट टैन और कॉट होता है। क्योंकि टैन और कॉट का आपने देखा ही आंसर बढ़िया सा आता है, रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस वन, अच्छा आंसर आता है, तो वो तो याद होना ही चाहिए। लेकिन अब लगे हाथ अपन साइन और कॉस को भी डिराइव तो कर ही लेते हैं, डिराइव करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अपन बेटा अगर साइन ऑफ पाई बाई एट निकालें, अगर अपन साइन ऑफ पाई बाई एट निकालें, साइन 22.5 निकालें, तो अगेन 22.5 डिग्री वाला एंगल देखते ही मुझे तो 45 डिग्री याद आता है, क्योंकि मेरे को 22.5 का तो कुछ नहीं पता, 22.5 का डबल 45 होता है, मेरे को सिर्फ 45 पता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार आप याद करो, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2,
ये प्रोफाइल मैंने आपको बताई है, इम्पॉर्टेंट है, अभी पिछले सवाल में आई थी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर उसका डबल एंगल लिखा है, अगर यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर उसका डबल एंगल लिखा है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार साइन स्क्वायर पाई बाई एट जो होगा ना, साइन स्क्वायर पाई बाई एट वो होगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2, उसका डबल एंगल, मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 अपॉन 2, मतलब ये सॉल्व हो के आ जाएगा बेटा √2 - 1/2 √2। ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर पाई बाई एट। तो यहाँ से बच्चों ज़रा सोच के देखो, साइन पाई बाई एट कितना होगा, साइन पाई बाई एट अगर आप निकालोगे तो बच्चा कोई भी बोलेगा +/√2 - 1/2 √2, यही बोलोगे आप आंसर, यही आप आंसर बोलोगे। मैं बच्चों इसमें आपको ये बोलूँगा कि यार आप पाई बाई एट अगर बोल रहे हो तो पाई बाई एट कौन से क्वाड्रेंट में, पाई बाई एट है पहले क्वाड्रेंट में, 22.5 डिग्री मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव वाले को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, आंसर मेरा पॉजिटिव वाला आएगा। तो यहाँ से ये जो मेरे पास आया कि यार मेरा आंसर आ रहा है √2 - 1/2 √2, और उसका भी पूरा अंडर रूट है। आप सोच के देखो, अगर मैं अंदर इसके इस बड़े वाले रूट के अगर मैं अंदर रैशनलाइजेशन करूँ तो मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा √2 - √2/4, यह आ जाएगा मेरे पास। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, जो मुझे याद रखना है, अगर याद रह जाए तो क्या याद रहना चाहिए, साइन पाई बाई एट होता है न्यूमरेटर में √2 - √2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, क्योंकि ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। साइन पाई बाई एट का ये मुझे याद होना चाहिए, अगर ये याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमें याद रह जाती है बच्चों तो बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है कभी सवाल बन जाए और आपका 2 मिनट बच जाए पेपर में अगर आपको याद होगा तो। तो साइन पाई बाई एट इज √2 - √2/2। अब अगर हमने साइन ऑफ पाई बाई एट निकाल लिया तो कॉस ऑफ पाई बाई एट भी अपन निकाल लेते हैं बेटा, इसी तरीके से साइन पाई बाई एट के बाद कॉस ऑफ पाई बाई एट भी अपन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बहुत जल्दी से अपन अपना बोर्ड क्लियर करते हैं और कॉस ऑफ पाई बाई एट को भी एक बार डिराइव कर लेते हैं। मुझे अभी तक हमेशा ऐसा लगा है कि जो आंसर्स आते हैं वो सिमेट्रिक आते हैं, जैसे कि जब √3 - 1/2 √2 आया तो एक आंसर आया √3 + 1/2 √2, जब 2 - √3 एक आंसर आया तो अगला आंसर आया √2 + √3, जब एक आंसर अभी √2 - 1 आया था तो cot 22.5 आया √2 + 1। तो यार वो लॉजिक के हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर साइन ऑफ 22.5 डिग्री √2 - √2 और डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो शायद cos 22.5 क्या होना चाहिए, √2 + √2/2। करके देखते हैं, देखो पैटर्न तो अच्छा चलेगा। cos pi by 8 अगर बच्चों मुझे निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि cos square ये क्या होता है, cos square ये होता है 1 + cos 2a/2, ये प्रोफाइल में पढ़ के आया हूँ, cos square ये होता है 1 + cos 2a/2। तो यहाँ से बच्चों cos square pi by 8 जो होगा इट विल बी 1 + cos π/4 / 2, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/√2/2, मतलब आ जाएगा √2 + 1/2 √2 + 1/2 √2। और ये आ गया बच्चों cos square pi by 8। अब अगेन pi by 8 पहले क्वाड्रेंट में है तो cos तो पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ cos pi by 8 आ जाएगा √2 + 1/2 √2, और अगर मैं अंडर रूट के अंदर रैशनलाइजेशन कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा √2 + √2/4। रैशनलाइजेशन करते ही अंदर आ जाएगा √2 + √2/4, जिसको कि मैं फाइनली जो याद करने वाली चीज़ है अगर उस फॉर्मेट में लिखूं तो √2 + √2/2, ये मुझे याद रखना है, अगर याद रह जाए तो ये मुझे याद रखना है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ आपके दोस्तों की, चाहे वो जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, बहुत ही चुनिंदा जगह ये सब कराया भी जाता है क्योंकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर पढ़ने आए हैं तो पढ़ने आने पीछे की वजह आपकी क्या है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं कि आप कैसे कैसे कोई
अचानक से मान लीजिए अगर कोई पूछ ही ले और हमें ना पता हो कि यार साइन ऑफ 22.5 निकालते कैसे हैं, एटलीस्ट निकालना तो आना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोफाइल से सॉल्व करने पे आता है। भले आपको ये याद ना भी हो, लेकिन अगर एक बार आपने अपनी नोटबुक में ये चीज़ लिखी हुई है तो कुछ तो उम्मीद है कि यार एग्जाम में अगर पूछेगा तो मैं बना लूँगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है वो भी आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर आप किसी जगह कोचिंग जा रहे हैं या किसी भी चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपकी मेहनत, मतलब आपको मेहनत कम करनी पड़े, ताकि आपका टीचर आपको बहुत क्रिस्प और अच्छा बढ़िया मटेरियल आपको एक साथ दे दे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो यार इम्पोर्टेंट है, बाकी अगर मान लो पेपर में आ गया तो तुम्हारी किस्मत, ठीक है। तो अपन ने बेटा ये वाले तो सारे के सारे पोर्शन अपना कर लिया, एंगल वेंगल अपन ने निकाल लिया, ठीक। अगला अपन सवाल करते हैं, अपन बेटा बोर्ड क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन अपन करते हैं, दो तीन सवाल और करेंगे, उसके बाद अपन आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। अपने पास बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2π, 0 से 2π में क्लोज ब्रैकेट में सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास बेटा लिखा हुआ है tan ऑफ tan रेज टू द पावर 4a माइनस 4 tan स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप लोग बेटा एक बार चाहें तो वीडियो पॉज करें, इस सवाल को अटेम्प्ट करें, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सो बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है tan रेज टू द पावर 4a माइनस 4 tan स्क्वायर a प्लस 3 फाइंड द एंगल्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आपको इसमें दिखाई दे ही रहा है कि इसको हम चाहें तो tan स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं tan रेज टू द पावर 4a माइनस 3 tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर a बाहर, अंदर आ जाएगा बच्चों tan स्क्वायर a माइनस 3, और इसमें अगर हम देखेंगे तो माइनस 1 बाहर और अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया tan स्क्वायर a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही बच्चों मेरे पास ये चीज़ आई माइनस 3 माइनस, ठीक है, जैसे ही हमारे पास बेटा ये वाली चीज़ आई तो यहाँ से बच्चों देखो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 लिखा है तो या तो tan स्क्वायर a का वैल्यू 1 होगा या तो tan स्क्वायर a का वैल्यू 3 होगा। बहुत ईजी सी बात, इसका मतलब कि tan a का वैल्यू जो होगा, tan a का वैल्यू या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा, या यहाँ से tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो रूट 3 होगा या तो माइनस रूट 3 होगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें वो एंगल्स बताने, हमसे नंबर ऑफ एंगल्स नहीं पूछा, हमसे ये नहीं पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके टोटल कितने एंगल्स होंगे। तो आप ज़रा सोच के देखो tan की वैल्यू 1 कब कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पर, ठीक है, और tan की वैल्यू 1 तीसरे क्वाड्रेंट में भी होगी क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो tan 45 जो होगा वही tan 180 प्लस 45 भी होगा क्योंकि tan ऑफ 180 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो 225 डिग्री भी आएगा। अच्छा tan की वैल्यू माइनस 1 कब होती है, तो अगर आप माइनस 1 पर देखेंगे तो माइनस 1 बच्चों इसकी वैल्यू होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है मतलब tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, देखो याद करो tan ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है। तो अगर मान लो मैं थीटा की जगह 45 रख दूं तो tan ऑफ 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री, वो आ जाएगा माइनस tan 45 के बराबर, माइनस 1 के बराबर। और वैसे ही चौथे क्वाड्रेंट में भी होता है तो tan ऑफ 360 माइनस थीटा भी जो होगा वो भी क्या आएगा, माइनस tan थीटा। तो 360 माइनस 45 अगर आप करोगे तो 315 डिग्री में भी यही हाल होगा, 315 डिग्री में भी यही हाल होगा। तो ये तो चार एंगल्स हमारे पास आ गए जिसमें ये हो रहा है।
वैसे ही अगर मैं रूट थ्री और माइनस रूट थ्री की बच्चों बात करूं तो रूट थ्री कब होता है 60 डिग्री पर होता है टेन, टेन की वैल्यू रूट थ्री कब होती है 60 डिग्री पर होती है, और उसके बाद अगर 60 डिग्री पर होती है तो तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस 60 पर भी होगा, मतलब 240 डिग्री पर भी आएगा, 240 डिग्री पर भी आएगा। अच्छा इसके बाद माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री कहाँ पर होगा बताओ, माइनस रूट थ्री होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं सेकेंड वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस 60 अगर रखूंगा तो माइनस टेन 60 आएगा जो कि माइनस रूट थ्री होता है, तो मतलब ये आ जाएगा 120 डिग्री। 180 माइनस 60 करोगे माइनस टेन 60 आएगा तो 120 डिग्री, और वैसे ही 360 माइनस 60 करोगे तब भी माइनस टेन 60 आएगा तो 300 डिग्री। तो हमारे पास बेटा फाइंड ऑल द एंगल्स से, तो टोटल कितने एंगल्स हैं, टोटल 8 एंगल्स हैं, टोटल 8 एंगल्स है। कौन कौन से, 45 डिग्री है, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री है, 60 डिग्री के बाद अगर हम देखेंगे तो 120 डिग्री है, फिर 135 है, 135 के बाद 225 है, 240 है, 240 के बाद बच्चों 300 है, और लास्ट में 315 डिग्री। ये सारे के सारे अलग अलग एंगल्स हैं जिसके लिए हमारा ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो अपन बेटा अपने सवाल को मिटा देते हैं, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट था और उसको में ट्रिग्नोमेट्री हमने इन्वॉल्व की थी। इस तरीके के बेटा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मेंस लेवल में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके के आ जाते हैं जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी और चैप्टर के साथ मर्ज किया जाता है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को जिसमें किसी भी और चैप्टर के साथ मर्ज किया जाता है, ऐसे सवाल आते हैं। इसके बाद बच्चों हम तीन रिजल्ट्स और डिराइव करते हैं जिसके बाद हम आज का अपना लेक्चर एंड करेंगे। तीन रिजल्ट्स हम अभी और डिराइव करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने 2a वाला एंगल देखा है, जैसे हमने 2a वाला एंगल देखा है वैसे ही हमें 3a का भी एंगल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन रिजल्ट निकालते हैं साइन ऑफ 3a का। तो अगर बच्चों हमें साइन ऑफ 3a की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने 2a पढ़ा है, साइन 2a हम क्या पढ़े हैं, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए या 2 टेन ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हम पढ़े हैं। वैसे ही हमें साइन 3a को भी निकालना है, सिर्फ एक रिजल्ट होता है इसमें जो हमारे लिए काम का होता है। साइन 3a को आप बेटा लिख सकते हो, देखो साइन ऑफ a प्लस 2a, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, तो साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b, यही होता है। और क्योंकि ये साइन वाली चीज है तो साइन वाले का जो फाइनल आंसर मैं चाहता हूँ, फाइनल आंसर में मैं सारे साइन वाले टर्म्स चाहता हूँ। साइन वाला है रिजल्ट तो फाइनल आंसर में मैं सारे साइन वाले टर्म्स चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ साइन ए को तो साइन ए ही रहने देते हैं, कॉस 2a को लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मैंने कॉस वाले को भी देखो साइन वाले में कन्वर्ट कर लिया ताकि मुझे फाइनल आंसर में सब साइन वाले बस टर्म्स मिले। फिर ये कॉस ए को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इस साइन 2a को आप लिख लो 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a को आप लिख लो 2 साइन ए कॉस ए। तो यहां से बच्चों देखो आपके पास आ गया साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस ये 2 साइन ए वैसे का वैसे ही, और ये जो कॉस ए और कॉस ए है तो कॉस ए और कॉस ए मिलके क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर ए बनाएगा। इस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें सारे के सारे जो हैं, एक तो जो आर्ग्यूमेंट है सबका आर्ग्यूमेंट ए आ चुका है, और सारे के सारे जो हैं वो साइन के ऑपरेटर्स हैं। सॉल्व बस अब करना है सिंप्लीफाई करके, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो मेरे पास बच्चों जो मेरा रिजल्ट है जो मुझे याद रखना है, दैट इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए। इसका यूज आएगा, इसका यूज आएगा बेटा एंगल निकालने में, इसका भी यूज आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये रिजल्ट याद हो, ठीक है। तो आप इसे बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए। हम अपना अगला रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है डिराइव करने का। जिस तरीके से हमने साइन 3a को डिराइव किया है वैसे बेटा हम कॉस 3a को भी डिराइव करेंगे।
कॉस 3a को भी अपन डिराइव कर लेते हैं, तो कॉस ऑफ 3a, कॉस ऑफ 3a को आप लिख सकते हैं बच्चों कॉस ऑफ a प्लस 2a, आप इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ a प्लस 2a। तो यहां से आपके पास देखिए कॉस ऑफ a प्लस b क्या होता था, कॉस ए कॉस b माइनस साइन ए साइन b, तो कॉस ए कॉस b माइनस साइन ए साइन b, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कॉस वाला है तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर में मैं सारे के सारे टर्म्स किसके चाहता हूँ, कॉस के चाहता हूँ, फाइनल आंसर में मैं सारे के सारे टर्म्स कॉस के चाहता हूँ। तो ये कॉस ए वैसे का वैसे ही, कॉस 2a को आप लिख लो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि आपको कॉस वाले टर्म्स चाहिए सारे, और आर्ग्यूमेंट भी आपको सबका a करना है जैसे हमने पिछले वाले में किया था। फिर माइनस साइन ए फिलहाल वैसे का वैसे ही, साइन 2a को आप लिख लो 2 साइन ए कॉस ए। तो यहां से बच्चों हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से देखो माइनस 2 कॉस ए आप बाहर निकालो, माइनस 2 कॉस ए आप बाहर निकालो, और ये जो साइन स्क्वायर ए है इस साइन स्क्वायर ए को आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों कि सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कॉस वाले हैं और सबका आर्ग्यूमेंट जो है वो ए है। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए। तो जो मेरे पास आंसर आ गया दैट इज 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा। तो जैसे साइन 3 ए होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3 ए होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, कॉस 3 ए होता है बच्चों 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट रिजल्ट है जो हमें और डिराइव करना है, जो कि है टेन 3a का, और उसके बाद फिर हम अपना आज का लेक्चर बेटा एंड करेंगे। तो आई होप आप अपने नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं, ठीक से लिखते चल रहे हैं सारी चीज़ें। तो जो आज के लेक्चर का बच्चों लास्ट रिजल्ट है दैट इज टेन 3a, लास्ट रिजल्ट इज टेन 3a। टेन 3a को आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस 2a, ऐसा लिख सकते हैं। और tan ऑफ a प्लस b क्या था बच्चों, tan ऑफ a प्लस b था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये रिजल्ट था tan ऑफ a प्लस b का, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। और क्योंकि ये tan वाला है तो मैं फाइनल आंसर में सारे के सारे टर्म्स किस में चाहता हूँ, tan में चाहता हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं tan a प्लस tan 2a इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan 2a इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहां से बच्चों आप अगर LCM लेंगे तो tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर पूरे के नीचे में देखो यहां पर भी अगर आप LCM लोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हमारे पास आ रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों ये 1 माइनस टैन स्क्वायर है और ये वाला 1 माइनस टैन स्क्वायर है कटेगा, तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली अगर आप देखेंगे तो टैन ए माइनस टैन क्यूब ए प्लस 2 टैन ए अपॉन, नीचे लिखा है 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये बच्चों फाइनल रिजल्ट है। tan 3a का जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने sin 3a का बच्चों रिजल्ट देख लिया,
कि साइन 3a का रिजल्ट होता है 3sin a माइनस 4sin3a। कॉस 3a का भी बच्चों हमने रिजल्ट देख लिया कि कॉस 3a का रिजल्ट होता है 4cos3a माइनस 3cos a। और लास्ट में टेन 3a का भी बच्चों हमने रिजल्ट सॉल्व कर लिया, टेन 3a होता है 3tan a माइनस 10³ अपॉन 1 माइनस 3tan²। तो इसके साथ बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पर पहुंच चुके हैं। आई होप सारे रिजल्ट्स आपको समझ में आए होंगे और घर पे आप बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मैंने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है आपके होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। ज़रूर आप बच्चों सवालों को अटेम्प्ट करिए, जो भी डाउट्स हों वो कमेंट से पूछिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, दोस्तों से खूब इसे शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।